हेलो गाइस, तो फाइनली इमरजेंसी सुपर लीग की जो एलिमिनेट और मैच है ये मैच होने वाला है। और हमारी जो चैनल की जो प्रेडिक्शन रहा है इमरजेंसी सुपर लीग की लास्ट मैच को लेके, वो तो पास हो गई। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो मैच है, ये मैच में क्या होता है तो देखते हैं। और ये जो एक बात है जो मेरी जो मेमोरी है उसने कहता है कि ये जो लास्ट जिसकी भाला होता है और सभी उसकी भाला होता है, तो देखते हैं क्या होता है सामने। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को और मेरे साथ रहिए। तो ये जो इमरजेंसी सुपर लीग की जो एलिमिनेटर मैच है, ये तो मैच आपस में टकराने वाला है। दो इमरजेंसी सुपर लीग की दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, ये जोजी एस्टर और पाल रॉक्स। ये जो दो टीम आपस में टकराने वाला है, एलिमिनेटर मैच बहुत ही जमदार होगा। और ये मैच जो भी टीम जीतेगा दोस्तों, वो टीम कैपिटियन बिल्स के साथ फाइनल खेलेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैच है, ये मैच तो बहुत ही एक टक्कर होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम ही एक बैलेंसिंग टीम है। लेकिन जोजी एस्टर की टीम उतना बैलेंसिंग नहीं है जितना पाल रॉक्स की है, क्योंकि पाल रॉक्स की जो बैट्समैन है सभी हिटर है। और सभी एक जो भेजा फ्राई होता है वो उसी तरह की एक बैट्समैन है इस इमरजेंसी सुपर लीग में। क्योंकि जोजी एस्टर की जो मैन है रेजा हैंड्रिक, क्रिस गेल, ये जो कोई कई सारी बैट्समैन है, ये सब बैट्समैन तो अगर टिक जाए तो तूफानी उठा देगा मैट पर और बहुत ही हाई स्कोरिंग होगा। लेकिन अगर नहीं टिकता है तो बहुत ही खराब स्कोर होगा। तो ये जो मैच है इस इमरजेंसी सुपर लीग की एलिमिनेटर मैच है पाल रॉक्स वर्सेस जोजी एस्टर की। अगर इस दो टीम की कुछ दो तीन की प्लेयर देखा जाए तो जोजी एस्टर की जो है रेजा हैंड्रिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन और इस इमरजेंसी सुपर लीग की सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन रहा है। और दो दो हंड्रेड भी लगाई इस इमरजेंसी सुपर लीग में, तो ये भी दिमाग में रखना है। और जो एक है वो है बैटिंग दोनों क्रिस गेल, ये जो क्रिस गेल है ये सब मैच, ये जो सेमीफाइनल फाइनल जो मैच है बहुत ही अच्छी खेलता है। आप लोग देखा होगा या नहीं, लेकिन ये जो बीपीएल था पिछले साल की, जो बीपीएल था बांग्लादेश के साथ, रंगपुर राइडर्स के साथ, ये जो क्रिस गेल खेला था लास्ट पांच मैच जो खेला था, क्या खेला था यार। लास्ट जो चार तीन मैच खेला था इस क्रिस गेल, सेमीफाइनल फाइनल और एक जो मैच फर्स्ट राउंड पर था, क्या खेला था। बहुत ही हाई स्कोरिंग किया था और अपनी दम पर अकेला ही इसने मैच को जिता दिया मशरफ बिन मुर्तजा को, रंगपुर राइडर्स को। तो ये भी ध्यान में रखना है कि क्रिस गेल ये सब मैच बहुत ही अच्छी खेलता है लास्ट मैच की। और रेजा हैंड्रिक तो अच्छी खेलता है और डैनियल क्रिस्टन भी अच्छी फॉर्म में चल रही है इस इमरजेंसी सुपर लीग में। और पाल रॉक्स की अगर बात किया जाए तो पाल रॉक्स की एफएफए डुप्लेसिस है, त्रेविस सामसी है, ये जो डीजे ब्रावो है, डीजे ब्रावो भी एक अच्छी प्लेयर है क्योंकि बहुत ही खतरनाक बॉलिंग है, स्लो डिलीवरी करती है। और जो बैट्समैन है अगर टिक जाए तो चार पाँच या फिर छः नंबर पर नामती है ये डीजे ब्रावो, तो अगर टिक जाए तो बहुत ही तूफानी हो सकती है जोजी एस्टर की बॉलिंग के लिए। तो ये जो मैच है, ये मैच तो होने वाला है जोसेन बार्क न्यू वांडरर्स पार्क पर। ये जो स्टेडियम है, ये जो पिच है, इस पिच की अगर रिपोर्ट देखा जाए तो इस पिच की बहुत ही हाई स्कोरिंग होता है। और इस पिच की जो स्कोर होता है बहुत ही, आपने देखा होगा कि एक मैच छोड़ के इमरजेंसी सुपर लीग में सभी मैच इस पिच की जो स्कोर रहा है वो 160 से ऊपर रहा है। तो इस मैच में भी हाई स्कोरिंग हो सकती है क्योंकि एलिमिनेटर मैच है, सभी ने अपनी दम पर और सारी जो कोशिश है सकती है सभी लगा देगी दो, ये दो टीम इस मैच को लेके। तो ये जो मैच है इस एलिमिनेटर मैच है दो टीमों की, तो इस दो टीमों की अगर इस पिच की जो स्कोर रिपोर्ट है, इस पिच की रिपोर्ट देखा जाए तो इस पिच में अब तक हाई स्कोर हुआ है, आपने देखा होगा कि पिछले मैच में जो जेस्टर नहीं बनाया था 239 का, और हाईस्ट जो चेज है, हाईस्ट चेज हुआ है 236, यह तो पहला हाई स्कोरिंग ही था। लेकिन जो जेस्टर ने ये ब्रेक करके 239 का स्कोर बना ली। तो ये जो मैच है, इस मैच में भी आप लोगों को हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर इस पिच की फर्स्ट इनिंग से एवरेज स्कोर देखा जाए तो 170 से 180, और सेकेंड इनिंग्स के एवरेज स्कोर देखा जाए तो 150 से 160, बहुत ही लो स्कोरिंग होती है सेकेंड इनिंग्स में। तो अगर इस मैच को मैं बात करूं तो ये जो मैच है एलिमिनेटर मैच है पाल रॉक्स और जोजी एस्टर की, इस मैच में स्कोर हो सकती है अगर जोजी एस्टर पहले बैट करे तो 170 से ऊपर हो सकती है अगर बॉलिंग पाल रॉक्स की ख़राब हो तो। और पाल रॉक्स की अगर बॉलिंग अच्छा होता है तो 150 से ऑल आउट हो जाएगी जोजी एस्टर ने, तो ये देखने को मिलेगी, हम मैच में देखने को मिल सकती है। तो और अगर पाल रॉक्स से पहले बैट करें तो 150 से 170 तक हो सकती है स्कोरिंग, क्योंकि पाल रॉक्स की उतना हीटर बैट्समैन नहीं है लेकिन बैलेंसिंग बैट्समैन है, क्योंकि एफएफए डुप्लेसिस जो है बहुत ही अच्छी ठंडी दिमाग से खेलती है ये और बहुत ही शानदार खेलती है। तो ये जो मैच है, इस मैच को मैं अगर प्रेडिक्ट करूँ तो मेरी जो दिमाग कह रही है कि अगर
अगर टॉस पाल रॉक्स जीत जाए तो पाल रॉक्स विन होगा इस मैच में, और अगर जोजी एस्टर पहले टॉस जाए और बैटिंग करे तो बैटिंग करके वो बहुत ही हाई स्कोरिंग कर ले तो ये तो मैच जोजी एस्टर ही जीतेगा। लेकिन मेरी तो एक टीम को चूज करना होगा। तो ये जो मैच है, मुझे जो लग रही है कि ये जो क्रिस गेल, रेजा हैंड्रिक है, डेनियल क्रिस्टेन है, तो पिछले मैच में बहुत ही हाई स्कोरिंग खेला था ये जो टीम जो जेस्टर ने। लेकिन मुझे जो लग रहा है इस एलिमिनेटर मैच को लेके वो है कि ये मैच मेरी हिसाब से जो है इस बैलेंसिंग जो दो टीम है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि एफ एफ डुप्लेस बहुत ही एक अच्छी कैप्टन है और साउथ अफ्रीका के भी कैप्टन रहा थी इस डुप्लेसिस ने। तो इस मैच में मैं जो प्रेडिक्ट करने वाला हूँ वो थोड़ा सा हटके होगा, सबसे अलग होगा, और वो है इस मैच में मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ इस मैच शायद जीत सकती है पाल रॉक्स, यानी कि एफ एफ जो डुप्लेसिस है ये मैच विन कर सकती है, क्योंकि इसके पास ठंडी दिमाग है और कहाँ पर किसको बॉल देना होगा, जो जेस्टर की जो बॉलिंग है वो भी देखने के वजह से जो डुप्लेसिस जो फैसला लेगी वो बहुत ही ठंडी दिमाग से लेगी, क्योंकि क्रिस गेल, रेजा हैंड्रिक, डैनियल क्रिस्टन बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो मेरी प्रेडिक्ट रहा है पाल रॉक्स एफ एफ डुप्लेसिस विन ऑफ द एलिमिनेटर मैच, और फाइनल भी खेलेगी इस कैपेटाउन के साथ पाल रॉक्स टीम। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो रहा मेरी प्रेडिक्शन, और अगर जाते जाते मेरी चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आगे से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन पाना चाहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा सबसे पहले देखने के लिए दौरा के जो है सबसे पहले दौरा के देखने के लिए मेरी जो बेल आइकॉन है सब्सक्राइब के बटन के पास ही है, ये बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है। ये बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी आप लोगों को। तो चलते हैं आज के लिए, और एक लास्ट बात जो है, मेरी बातों का अगर आप लोगों से अच्छा लगा तो वीडियो को अच्छा लगा तो दूसरे भाई को भी चांस दे देना देखने के लिए और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को सारे लोगों से शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।